गैस अभी हो गया ये पक के बढ़िया से। वाह चलो गैस हो गया पक के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं यस जा रहा हूँ हम और एक साथी एक छोटा सा जगह, उसमें हम लोग लोकल चिकन एंड गार्लिक सब कुछ जितना भी लेना था हम लोग बाज़ार से कलेक्ट कर चुका है। बाज़ार से कलेक्ट करने के बाद में हम लोग दोनों अभी जा रहे हैं एक सुंदर सा जगह, एक छोटा सा जगह। तो अभी हम लोग पकाने जा रहा है, आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और आप लोग का प्यार से ही हम आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू। देखो गैस अभी आग जला रहा है, बहुत बुरे से जल रहा है। देखो तो आज बनने वाला है लोकल चिकन, आज का होगा ट्राई फ्राई। तो गैस का अलग है और आग का अलग है ना, इसका क्वालिटी अलग होता है। ये सारा मसाला लिया है, सब कुछ अदरक ग्रीन चिली सब कुछ है, और यहाँ में अभी अदरक और चिली लहसुन इसको अभी पीसिंग करेगा। इसका बाद ये है चिकन। अभी कैरियर भी बता दिया और इसको अच्छे से जलने देगा, जलने के बाद इसको अच्छे से सूखने के बाद में डालेगा। बहुत बढ़िया से जल गया रे, बढ़िया। पूरा पानी को सुखाना पड़ेगा, सुखाने के बाद इसमें दोस्त ये क्या बोलते हैं नमक भी मिला दिया, और ये है थोड़ा सा हल्का से हाजना मटर भी डालेगा, साथ में लौंग भी डाला गया है। तो अभी देखते रहिए, अभी ऑनियन भी कटिंग हो रहा है। तो करने का तरीका देखो, वाह क्या स्टाइल है यार, मास्टर शेफ। वाह 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 वाह, बहुत ही अलग तरीका बनने जा रहा है। ये हो गया तेज़पत्ता, और ये हो गया आपका लहसुन और चिली, इसका बाद सारा मसाला जितना भी है उसमें सब डाला गया है। इसका बाद ये ऑनियन, अभी प्याज का झोल बनने वाला है, बहुत बढ़िया। और अभी तेल पक रहा है, इसको अभी प्याज डाल दिया। वाह, और आग देखिए कितना बढ़िया से जल रहा है। वाह, यही है आज का प्रोग्राम जो, तो मैं भी ट्राई करके देख रहा हूँ। ऑनियन को पूरा लाल होने तक पकाना पड़ेगा, जब लाल हो जाएगा तो मज़ा लगेगा। इसका बाद ही उसको जितना भी मिलाया गया है उसको साथ में डालेगा, और साथ में लोकल चिकन। बढ़िया से आग भी लग गया, वाह बहुत बढ़िया जल रहा है। इसको पूरा मिलाना पड़ेगा, थोड़ा प्याज को लाल कराना पड़ेगा। गैस जब कच्चा थोड़ा प्याज होता है, पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो लाल होने के बाद में प्योरली मैंने तेल भी निकल जाता है, और देखने भी स्वादिष्ट, खाने में भी स्वादिष्ट होता है, वो टेस्टी हो जाता है। तो इसीलिए फिलहाल इसको लाल करा लेते हैं फिर से मिला के। ऑनियन को अभी हम लाल करा रहे हैं, वो लाल होने का बाद तो जितना भी सारा मसाला है इसका बाद डाला जाएगा। हल्का से 3 मिनट रखना पड़ेगा उसको। तेज़पत्ता का देखिए, वाह सब कुछ सारा मसाला जितना भी है सब डाला गया है, सब मिक्स कर दिया। और इसका बाद लोकल चिकन डालेगा, इसके बाद में इसको अच्छा से लगाने के बाद, वाह टेस्टी होने जा रहा है यार।
भी डाल देता हूँ चिकन। इसको बहुत बढ़िया से मिलाना पड़ेगा, सारा मसाला मिक्स के अंदर में आना पड़ेगा। दही दी गई, इसको साथ में अगर दही डालेगा ना तो पंजाबी स्टाइल हो जाएगा। पंजाबी पंजाबी लोग स्पेशली बनाता है ना चिकन, दही मसाला चिचला चिचना भी सारा सब कुछ मिला के डालता है। तो फिलहाल हम लोग अभी दही नहीं डालेगा क्योंकि सिंपल से हम लोग बना रहे हैं। इसको 10-15 मिनट जैसा इसको ढक के रखेगा। पूरा गर्म हो गया, पका रहा हूँ मैं अभी और पानी को थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा। वाह, गर्म भी गर्म है आज का मौसम, तो फिर भी आग में जला के बना रहा हूँ। बहुत सुंदर से जल रहा है, देखिए पानी डाल रहा है थोड़ा, तो पानी डालेगा ग्रेवी बना देगा ग्रेवी। इसको अभी रखना पड़ेगा आधा घंटा नहीं है सॉरी 10-15-20 मिनट, क्योंकि हाँ कुछ हीट है, तो हीट होने का कारण ये भी अच्छे से पकेगा। चौथा सा नज़ारा देखिए, वाह बहुत बढ़िया लगता है ना, देखो वाह। बहुत बढ़िया से पक रहा है, इसको थोड़ा सा मिला देता हूँ, ये और सूखना पड़ेगा तो भी जाके ग्रेवी होगा। थोड़ा देर के लिए रख देता हूँ ढक के। गैस अभी बहुत बढ़िया से पक रहा है क्योंकि जून को और हल्का से ये करना पड़ेगा। समोस स्टैंड जो समोस होता है ना, ये पकाने वाला समोस, तो इसका स्टैंड देखो ये है पे, बहुत सुविधा निकला है स्टैंड रंगने के लिए। वाओ गाइस अभी हो गया ये पक के बढ़िया से, वाह चलो गैस हो गया पक के। गैस फिलहाल घर भी पहुंच गया अभी, तो हम जो दिखा रहा था उन लोग को स्पेशली लोकल चिकन बनाया वाला, तो वो बहुत बढ़िया टेस्टी था खाने में, लेकिन आलू को दिखा नहीं पाया क्योंकि बीच में थोड़ा सा लफड़ाबाजी हुआ है। आलू का हम वीडियो में भी दिखा नहीं पाया, और शायद वो आपका आगे साइड में बहुत ही जगह भी बहुत बढ़िया था, तो क्या ही बोले। तो खाना टपला बना के और सब्जी अच्छा से लेके गया था हम लोग वहाँ में बना के खाएगा बोल के, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा बीच में लफड़ाबाजी हो गया, तो लफड़ाबाजी होने का कारण तो आप लोग को हम दिखा नहीं पाया, फिर भी हम लोग खा के ही आया है। तो जो नया आया है सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के मिलते हैं, थैंक यू। और मैं यही मैं बोल के छोड़ देता हूँ क्योंकि हम बहुत ही दिखाने के लिए हम कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा लफड़ाबाजी होने का कारण ना, तो इसलिए हम दिखा नहीं पाया है, तो इसके लिए सॉरी। और हम जिस आइटम बढ़िया से ट्राई किया था बहुत ही, आप लोग को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना।